ये कहावत बिल्कुल सच है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा होने पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है, अगर लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो एक महीने के अंदर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। पैसा खाना तो दे सकता है पर भूख नहीं, सोने के लिए अच्छा बिस्तर तो दे सकता है पर नींद नहीं, किताबें मिल सकती हैं पर ज्ञान नहीं, ऐसा कुछ भी करवा सकता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जहां कई अभिनेत्रियों ने प्यार न देख सिर्फ पैसों के लालच में शादी की। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां। नंबर वन, जूही चावला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी चुलबुली अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली ब्यूटीफुल अदाकारा जूही चावला का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले शुमार है, जो कि अपने दशक की सबसे डिमांडिंग अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। करियर के पीक पर आते ही इन्होंने 7 साल बड़े बिजनेस टाइकून जय मेहता के साथ शादी कर ली। बता दें कि इनके पति मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर हैं और उनकी सीमेंट की 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इसी के साथ ये शाहरुख खान के साथ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी हैं। अभी तो इनके साथ शादी रचाकर आज ये करोड़ों की मालकिन बनी है। नंबर टू, शिल्पा शेट्टी। अपनी अदाओं से यूपी बिहार लूटने वाली शिल्पा के लाखों दीवाने हैं, पर लाखों दिल को तोड़ते हुए शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में मशहूर उद्योगपति राज कुंद्रा से शादी रचाई थी। सूत्रों की माने तो शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी इसलिए की क्योंकि वो बहुत अमीर थे। एक ब्रिटिश मैगजीन के अनुसार राज कुंद्रा का नाम अमीर आदमियों की लिस्ट में 198वें स्थान पर आता है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शिल्पा शेट्टी कितने करोड़पति हैं। नंबर थ्री, दिव्या खोसला। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या खोसला ने साल 2004 में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने भी टी सीरीज के मैनेजर और सीईओ कंपनी के मालिक भूषण कुमार के साथ वैष्णो देवी के कटरा में जाकर शादी रचा ली। और एक बड़े बिजनेस आइकॉन से शादी करने के साथ ही इन्होंने इंडस्ट्री की चकाचौंध से हमेशा के लिए दूरी बना ली। आज वो इनसे शादी रचाकर करोड़पति बन गई हैं। आज वो टी सीरीज को संभालती हैं और इसी के साथ साथ वो फिल्मों को भी प्रोड्यूस करती हैं और आजकल इन्हें तो म्यूजिक एल्बम्स में भी खास तौर से देखा जा रहा है। नंबर फोर, आसिन। आमिर खान के साथ गजनी और सलमान खान के साथ रेडी फिल्म में नजर आ चुकी अभिनेत्री आसिन भी इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने भी पैसों के लिए शादी की। बता दें कि साल 2016 में अभिनेत्री आसिन की मुलाकात माइक्रोमैक्स कंपनी के ओनर राहुल शर्मा से हुई, जहां बिजनेसमैन राहुल शर्मा को आसिन से प्यार था और उन्होंने जब आसिन के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो आसिन भी उनकी दौलत को देखकर मान गईं और वो राहुल शर्मा से शादी करके इंडस्ट्री के चकाचौंध से दूर हो गईं। और उनकी एक क्यूट सी बेटी भी है जिनका नाम एरिन शर्मा है। नंबर फाइव, टीना मुनीम। जी हाँ, इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है 80 के दशक पर जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री टीना मुनीम का, जो कि अपने करियर में काफी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, पर उसी दौरान इन्होंने भी अपने करियर के पीक पर आते ही साल 1991 में दुनिया के सबसे करोड़पति इंसान अनिल अंबानी के साथ शादी रचा ली और बॉलीवुड की चकाचौंध से हमेशा के लिए दूर हो गयी। दोस्तों, ये थी वो अभिनेत्रियां जिन्होंने प्यार न देख सिर्फ पैसा देखा और झट से शादी रचा ली। आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।